आप सबके सामने एक गीत पेश है, आशा रही विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आएगा। मेला के मालिक कमेटी वाले, हमारी माँ बहने गौर से सुनिएगा आज का जमाना क्या कह रहा है। ये दुनिया जानती है कि एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से 9 माह गर्भ में रखती है, पैदा करने के बाद पाल पोष करके सयाना कर देती है, पढ़ाई लिखाई कराती है, यहाँ तक कि गरीबी हो या अमीरी हो, अपनी स्थिति परिस्थिति अनुसार माँ बाप अपने जरजमीन को बेच देते हैं, शरीर के गहने जेवरात बेच देते हैं कि मेरे मुन्ने का भविष्य संवर जाएगा, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज दोनों बेटे एक तरफ और माँ बाप एक तरफ, माँ अपने बेटे से कह रही है और उसकी शादी कर देती है, करने के बाद यहीं पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है बाबूजी, वह अपने पत्नी को लेकर अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद अपनी खूबसूरत पत्नी में भूल जाता है और माँ बाप के किए हुए उपकार को भूल जाता है बाबूजी। आज एक तरफ माँ रो रही है, एक तरफ पिता रो रहा है और दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं। माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहा है, आप सब गौर कीजिएगा। कामना है पार्टी चाचा जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है।
ये मैनेजर साहब के बोल पर खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया को नमस्कार पहुंचे ना, हमारी तरफ से मास्टर साहब को नमस्कार पहुंचिए। आशीर्वाद की कामना है। नौ महीना 10 दिन माई बेटा बाबा लाली मुहावा के चोमे तो धावा धरती से चलकर आए हैं कि हमारे भांजे 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से नमस्ते पहुंचे। भाई साहब को नमस्कार पहुंचे। होला बार रात दिन पानी का बुढ़िया चाचा को नमस्ते। हम बार बार नमस्कार करते हैं। मालिक दुनिया में सलामत रखे, खुशहाल रखे, आशीर्वाद की कामना है। मेला मालिक के रंग बहादुर पटेल के पिताजी इस गीत को सुनते हुए 21 रुपए पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। हमारी तरफ से नमस्कार पहुंचे। होला पारी सात चुवई अंगेला वो सारी रात दिन पानी का छई बुढ़िया माता Thank you.
स्पेशल 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार। हमारी तरफ से नमस्कार पहुंचे, मालिक दुनिया में सलामत रखे। होला बहादुर पटेल भैया, लाल बहादुर पटेल बराबीर की तरफ से गीत को सुनते हुए 21 रुपए पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब को नमस्कार बच्चे। अरे के रोहे जमे न बोला आदर्श रामलीला समिति टोड़ीपुर बेनीपुर के अध्यक्ष व मेला मालिक तथा सभी पदाध अधिकारियों की तरफ से इस गीत को सुनते हुए 11 रुपए पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। आइए हमारे कमेटी अध्यक्ष रामसुख पटेल चाचा, ये हमारे मैनेजर साहब के बोल पर प्रसन्न होकर के 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से नमस्ते पहुंचे, हमारी तरफ से नमस्कार पूछे, आशीर्वाद की कामना है, मालिक दुनिया में सलामत रखे। साया साड़ी माई के तो कभौरा भी नाम गलत हो गया था, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। श्री श्यामलाल पटेल जी जो कि बराबीर के हैं, गीत को सुनते हुए 21 रुपए पुरस्कार किए थे, पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी तरफ से नमस्कार पहुंचे। साया साड़ी माई के तो
श्री श्यामलाल पटेल जी जो कि बराबर के हैं, इस गीत को सुनते हुए 21 रुपए पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। आज तक न बाबो माई पहले मनोरंजन हो गया, राष्ट्रीय का सफर कट गया। मेरी बहन मेरा राह देखती होगी, मैं आज अपनी बहन को आवाज दे करके बुलाऊंगा और उससे कुछ बातें करके मेहनत मजदूरी करने जाऊंगा ताकि खाने पीने की कुछ व्यवस्था हो सके। अच्छी बात है भैया। अरे ओ बहन राधा, मेरी बहन राधा, आओ बहन आओ। आज मैं क्या देख रहा हूं, तेरी आंखों में आंसू और तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर बात क्या है बहन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो भैया? आज आंखों में आंसू और चेहरा मुरझाया है, आज इस बात को मैं जानना चाहता हूं। भैया बोलो बहन, आप जानना चाहते हैं मेरे आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? हाँ बहन, जरूर जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनो। बोलो बहन।
तेरी हो भाई। कैसे खाना बना कर मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ, एक रोटी का आटा नहीं है, मारे भोग प्यास थे तो अपने आंखों से आंसू बहा रही हो। भैया एक रोटी का आटा घर में नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कहाँ से भोजन बना के खिलाऊं। भैया बहन आज मैं रास्ते में ही सोचता चला रहा था, मेहनत मजदूरी करने के लिए जरूर गया था बहन, लेकिन कहा गया है कि जब मुसीबत आती है तो हर तरीके से आती है, कहीं पर काम धंधा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, आज मैं खाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया हूँ बहन, लेकिन एक बात रास्ते में और सोचता चला रहा हूँ। कौन सी बात? आज मालिक ने खाने की व्यवस्था नहीं दिया है और दिल में हमेशा चिंता बनी रहती है कि बहन सयानी हो गई है। पिताजी ने कहा था कि बेटी की शादी जरूर कर देना, आज इतनी बड़ी दौलत नहीं कि तेरी शादी मैं कहाँ से करूँ बहन, और यही चिंता मुझे रात दिन बनी रहती है। मेरी बात सुनो। बोलो भैया। मेरी बात सुनो बहन। ढूंढ कर एक सहे जाता तेरी
यही तमन्ना है कि एक अच्छा सा वर एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर सबसे पहले तेरी शादी करूंगा और तेरी डोली मैं अपने कांधों से उठाकर तेरे मायके से तुझे ससुराल पहुंचाऊंगा। क्या बात है बहन? शादी की बात कर रहे हैं भैया, मैं ये सोच रही हूं पहले आपकी शादी हो जाए, भाभी घर में आ जाए, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। मैं समझ रहा हूं तेरे कहने का मतलब, मैं समझ रहा हूं बहन, तुझे रात दिन चिंता बनी रहती है कि अगर भैया मेरी शादी कर देगा मैं ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे भैया को कौन खाना पानी देगा। लेकिन ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन, जो मेरा फर्ज है मैं करूंगा। तू अपने ससुराल जब चली जाएगी तो अपनी शादी करूंगा, तेरे लिए खूबसूरत अच्छी सी भाभी लाऊंगा। तू हमेशा इसके लिए चिंता करने की तुझे जरूरत नहीं है। और एक बात सुन, तुझे मैंने माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुझे एक बहन का प्यार नहीं एक बेटी का प्यार दिया हो, कितने नाजों से पाला है वो मैं जानता हूँ बहन, मैं जानता हूँ। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? मेरी बात सुनो। Bye.
मेरी आंखों में आंसू देख करके मेरा कलेजा बहुत दुखी हो जाता है। तुझे बड़े नाजों से पाला है बहन, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। भैया कब नसीब बदलेगा, इतना दिन तेरी शादी रोक दूंगा, दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे बहन, क्या कहेंगे। सारी बात छोड़ो, इस वक्त चलो बहन, आज मैं जाऊंगा मेहनत मजदूरी करने, जो शाम तक की कमाई मिलेगी सारा सामान लाऊंगा और शाम की भोजन बनाना, सात भाई बहन बैठ करके खाना खाएंगे। मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन एक गरीबी जरूर दूर हो जाएगी बहन, जरूर दूर हो जाएगी। या मालिक तेरा इशारा है, ऊपर वाले तेरा इशारा है। जिंदा नहीं